गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था बी, जिसका हिंदी होता था हो या हो जाऊं, आज हम पढ़ेंगे बींग, जिसका हिंदी होता है होना, होकर या होते हुए। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। हम लोग कुछ सेंटेंस लिखते हैं, एग्जांपल में माँ होना आसान नहीं है, माँ होना आसान नहीं है, माँ का शिक्षित होना, माँ का शिक्षित होना ठीक है। दोनों सेंटेंस में आप लोगों को कुछ अंतर दिख रहा होगा, राइट। एक होता है माँ होना आसान नहीं है, दूसरा है माँ का शिक्षित होना ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वाला एग्जांपल फर्स्ट, ये सेकंड हुआ, राइट। एग्जांपल फर्स्ट बनाएंगे, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर केस नहीं है, यहाँ पर केस नहीं है, यहाँ पर केस है, राइट। फर्स्ट वाला बनाएंगे बींग, बींग मदर इज नॉट इजी, राइट। सेकेंड वाला बनाएंगे, सेकेंड एग्जाम्पल मदर्स एपोस्ट्रोफी इसके साथ, मदर्स बींग का होना शिक्षित होना, लिटरेट इज राइट गुड, जो भी सही नाम लगा सकते हैं, ओके। तो एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, थर्ड क्वेश्चन लाते हैं, प्रधानमंत्रियों का घोटालेबाज होना, घोटालेबाज, प्रधानमंत्रियों का घोटालेबाज होना बड़ा बुरा है, बड़ा बुरा है। फोर्थ लिखते हैं, शायद आज वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है, अच्छा कोशिश कीजिएगा, विद्यार्थी होते हुए भी वह शिक्षित नहीं है, ये क्वेश्चन है। लड़कियों का सरेआम सड़कों पर होना अच्छा नहीं है, लड़कियों का सरेआम सड़कों पर होना लड़कियों का फोन लेकर सरेआम सड़कों पर होना अच्छा नहीं है, लड़कियों के पीछे होना अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन लिखते हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा, वीडियो हिल रही है, कोई सुविधा नहीं है बनाने के लिए, जैसे तैसे हम बना रहे हैं, ओके। छोकरीबाज
लड़कों का कलेक्टर होना असंभव है। छोटी बात, लड़कों का कलेक्टर होना लोगों को खुले सड़कों पर लोगों को खुले सड़कों पर राइफल के साथ होना गैर कानूनी है। एक बार एग्जाम्पल को मैं रीड कर दे रहा हूँ, ओके। देखिए, है प्रधानमंत्रियों का घोटालेबाज होना बड़ा बुरा है। फोर्थ है, विद्यार्थी होते हुए भी वह शिक्षित नहीं है। फाइव है, लड़कियों का फोन लेकर सरेआम सड़कों पर होना और अच्छा नहीं है। सिक्स है, लड़कों का लड़कियों के पीछे होना अनुचित है। सेवेंथ है, छुपड़ीबाज लड़कों का कलेक्टर होना असंभव है। एट है, लोगों को खुले सड़कों पर राइफल के साथ होना गैर कानूनी है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। थोड़ा हमको एक वीडियो के लिए थोड़ा हिलेगा, सेट करने दीजिए इसको मोबाइल को। गुड, अब बनाते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों का घोटालेबाज होना। प्रधानमंत्री का क्या होता है? हे भगवान, रुकिए फ्रेंड्स। किसी तरह से वीडियो बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर्स बिंग घोटालेबाज का क्या होता है? स्कैमस्टर, स्कैमस्टर क्या है? प्रधानमंत्री का घोटालेबाज होना बड़ा बुरा है। इज क्वाइट क्वाइट बैड, बड़ा ही बुरा है। इज क्वाइट बैड, ये थर्ड हुआ। फोर्थ है, विद्यार्थी होते हुए भी वह शिक्षित नहीं है। तो विद्यार्थी होते हुए पहले बनाइएगा तो इसका क्या बनेगा? विद्यार्थी होते हुए भी, तो इवेन बींग स्टूडेंट क्या है? वह शिक्षित नहीं है। ही इज नॉट लिटरेट, या लिटरेट का जवाब कुछ भी लगा सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी। फाइव, लड़कियों का फोन लेकर सरेआम सड़कों पर होना अच्छा नहीं है। तो देखिए, तो गर्ल्स, लड़कियों का गर्ल्स बींग अराउंड, गर्ल्स बींग एरोड सड़कों पर, एरोड विद हैविंग अ फोन, फोन के साथ। हम इसके बाद बींग के बाद हैविंग का ही यूज बताएंगे। बींग हैविंग दोनों इसमें आएगा। फोन पब्लिकली सरेआम, PUBLIC, पब्लिकली इज क्वाइट बैड। द गर्ल्स बींग रोड विथ हैविंग अ फोन पब्लिकली इज क्वाइट बैड, राइट। सिक्स आते हैं, लड़कियों के पीछे होना अनुचित है। तो लड़कों का हो जाएगा बॉयज, बॉय में पोस्ट ऑफिस, बींग किसके पीछे? तो बिहाइंड, बिहाइंड गर्ल्स क्या है? तो अनुचित है, आर इम्प्रोपर।
IMPROPER इम्प्रोपर। ओके सेवेंथ है, देखिए छोकरीबाज लड़कों का कलेक्टर होना असंभव है, तो छोकरीबाज को क्या, छोकरीबाज लड़कों का क्या लिखिएगा, फिलांडर्स, APHILANDERS, फिलांडर्स। फिलांडर मिस होता है जो लड़का लड़की को भागते हैं ना, उसको फिलांडर्स बोलते हैं, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो फिलांडर्स बिंग क्या होना, कलेक्टर होना, बिंग कलेक्टर इज इम्पॉसिबल, राइट। लोगों का खुले सड़कों पर राइफल के साथ होना गैर कानूनी है, तो लोगों को क्या होना, तो पीपुल्स, पीपुल्स बींग, लोगों का कलेक्टर, पीपुल्स बींग मूविंग ऑन रोड, किसके साथ होना, खुलेआम सड़कों पर राइफल के साथ होना, तो कैरिंग, कैरिंग विथ विथ गन इज इलीगल। एक बार हम आपको सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो तो। थर्ड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों का घोटालेबाज होना बड़ा बुरा है, द प्राइम मिनिस्टर्स बींग स्कैमस्टर इज क्वाइट बैड। फोर्थ है, विद्यार्थी होते हुए भी वह शिक्षित नहीं है, इवन बींग ए स्टूडेंट ही इज नॉट लिटरेट। फाइव है, लड़कियों का फोन लेकर सरेआम सड़कों पर होना अच्छा नहीं है, द गर्ल्स बींग ए रूड विथ हैविंग अ फोन पब्लिकली इज क्वाइट बैड। सिक्स है, लड़कों का लड़कियों के पीछे होना अनुचित है, तो बॉयज बींग बिहाइंड गर्ल्स आर इम्प्रोपर। सेवेंथ है, छोकरीबाज लड़कों का कलेक्टर होना असंभव है, तो फिलांडरस बींग कलेक्टर, कलेक्ट कलेक्ट नहीं है ये कलेक्टर है, कलेक्टर इज इम्पॉसिबल, असंभव है। एट है, लोगों का खुले सड़कों पर राइफल के साथ होना गैर कानूनी है, तो पीपुल बींग मूविंग ऑन रोड कैरिंग विथ गन इज इलीगल, इज इलीगल। ILLEGAL, मेरी राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, और बता रहे हैं आप लोग का, देखिए हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में रहेगा इज, इज का जो भी फॉर्म हो, इज हमारा वाजवर, और फिर इसके बाद होता है इज वाज, दोनों चलेगा, जैसे कि इज एम आर वाज वर, इसके हम थर्ड तीन स्ट्रक्चर बताएंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर तो बहुत आसान होता है, इस सब्जेक्ट प्लस इज वाज जो भी हो प्लस एडजेक्टिव। सेकंड बताएंगे सब्जेक्ट प्लस इज वाज वर प्लस टू प्लस वी वन, और थर्ड बताएंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थ्री। ये वी थ्री आप लोग समझ रहे हो कि पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है, जैसे कि इसका होता है ये जब भी रिलेशन बनाता है तो एडजेक्टिव या नाउन के साथ रिलेशन बनाता है, इसका होता है जैसे सिंपल सेंटेंस होता है मैं गरीब हूँ, लेकिन हम लोग ऐसा सेंटेंस नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे देखिए कैसा सेंटेंस बनाएंगे, इसका होता है मेरा काम है पढ़ना तुम्हारा काम है जाना, ओके। इसका हिंदी होता है हुआ था, जैसे कि गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, तो गांधी जी वॉज बॉर्न, इसके बाद बीयर मतलब जन्म लेना होता है, बीयर का थर्ड फॉर्म होगा बॉर्न इन गुजरात, राइट। हम लोग पढ़ेंगे मैं विवाहित हूँ, आई एम मैरिड, ये पैसिव सेंटेंस नहीं है, फिर भी हम लोग सब्जेक्ट प्लस ही जे एम आर प्लस भी थ्री, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का